हमरी भागो वाली। वापस नहीं आएंगे, हम भी यहीं खड़े रहेंगे, आपका इंतजार करेंगे। तुम हमको कभी समझ में नहीं आओगे, कभी समझ नहीं सकते तुमको। पहले वंशन, बट सावित्री और अब। अरे क्यों जिद करती हो इतना? बस खुद को तकलीफ दो ताकि हमको भी तकलीफ हो। गलती हमारी है, तुमसे प्यार जो करते हैं। अभी भी घर में ना खाली हम ही जिंदा बचे, बाकी सब तो मुर्दा हो गए। अबे हमारा आंख नहीं खुली तो सब के सब ना अबे कछुआ का खाल लपेट के सोई गए। अबे सब के प्राण चल गया रहा का कि मोटर नहीं चला सके। अबे बिल्ला दीदी, अबे बंटू भाई साहब, अबे मिठू जी जी, रज्जू भैया, तुम सब की आंख का पानी मर गया है का बे? हां तो तुम सब का फिक्र खाली हम ही करिए। अबे हमका तो कुछ समझ में नहीं आया। अबे मिठू जीजी, अबे तुम यहाँ इतना चटक मटक रही हो, हम यहाँ भैया पानी के मरे जा रहे हैं। रज्जू भैया को कौन लॉटरी वाटरी निकला है का? तो पानी का है ना है भरी? आ है कलसन वाली। अरे तुम कलसन की सब बात याद रखो तू, और कल की बात भुलाए गई? कौन सी बात? अरे कलसन वाली, रिया अपन पोछा रानी, जन्म जन्म की नौकरानी, आज घर वापस आई है ना? तो बोलो कहा है करे काम? हम मूर्ख थोड़े ना है, अरे पोछा रानी आई है तो सब काम अच्छे से करिए। अबे मिठू जीजी, बात तो एकदम सही कह रही हो। अबे हम तो भुला ही गए कि अम्मा रात को लुढ़क गई रही, चल के देखा जाए कि अम्मा कितना फूल और कितना पचकी। हाय कलसन वाली, तुम एकदम सही कहा थो। चलो चल के अम्मा का हाल चाल पूछा जाए। हमरा हाल चाल? का है का हमरा इतने बुरे दिन आ गए कि तुम लोगन का हमरा हाल चाल पूछे का पड़ी? अरे भिल्ली ठीक है के पूछत है ना, तो हाल चाल बिगड़बे करिए। हेलो प्रसाद,
अरे नौ देखत का हो और दोनों भगवान से डराओ और साथ साथ बताओ का बात है। कौन बात नहीं है अम्मा। अच्छा कौन बात नहीं है, ठीक है संजा के पानी आई है तो सब बर्तन भर लियो, सुबह तो महारानी लोग उठे ही नहीं, कौनो बात नहीं। आय हाय कलसन वाली, ये बुढ़िया तो एकदम टनाटन फिट है, तो फिर कल गिरा कौन रहे? जानते हैं हम, सब जानते हैं हम मिट्ठू जी, कलसन वाली हमारी जिंदगी का रिक्शा तोड़ना चाहती थी तुम दोनों, लेकिन शुक्र है केवल हमारा चिमटा टूटा है, वो भी गले का, लेकिन उस चिमटे में भी ना जंग लगाने का काम किया है आप दोनों ने। नहीं नहीं कहे कि ना मंटू जी, हमारा धंधा तो वैसे ही चल रहा है तो जलन के मारे हमारा सुख नहीं देख पाए मिट्ठू जी कलसन वाली, तो हमारा देह दुखा के हमको दुख दिया है। हाय हाय बिल्लो, अरे हम साज कहते हैं ऐसे कोनो बात नहीं रहे, इन नरक ना हम तुमरे लिए नहीं बनाए रहे। हाँ। तो मिट्ठू जी घड़ियाली आंसू ना ही बहाओ, कह की रुंझुन के सामने ना ऐसा आंसू कई बार बहाया है आपने, आप दोनों ने मिलके ना हमारे खिलाफ साजिश रची है हमें मारने की। हाँ? कहे की ना मिट्ठू जी हम पैसे नहीं दिए ना इनको इसलिए। अरे नहीं, अरे मिट्ठू जी कलसन वाली साड़ी का बिजनेस करते हैं हम, लेकिन आंखों पे साड़ी नहीं बांधी है हमने तो। अबे यार बिल्लू दीदी, अबे काहे हम लोगों पे ऐसे इल्जाम पे इल्जाम लगाए रही हो? तो कारी कलसन वाली हम इल्जाम लगा रहे हैं, तो जो तेल गिरा था ना सीढ़ी पे उसका आसमान से टपका था जिसपे हम फिसल के गिरे, सब जानते हैं हम। अरे रात भर कंधाता रहा हमें बंटू जी, कब बताए बंटू जी? हमारे सामने आइए बंटू जी, देखिए हम कह देते हैं हमारी देवरानी और जठानी ने ना हमको मारने की कोशिश की है, कह देते बंटू जी अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। अरे अब रिक्शे के पहिए ना अलग हो जाने चाहिए बंटू जी, बंटवारा चाहिए हमको बंटवारा, कह दीजिए आप अम्मा से कि हमको बंटवारा चाहिए, समझे कि नहीं? ठीक है पिल्लू रानी ने कह दिया बंटवारा होगा मतलब होगा। हाँ गुड्डू जी हमारा जितना ख्याल रखते हैं, जितनी परवाह करते हैं हमारी, इतना तो हमने कभी सोचा भी नहीं था, फिर भी ना जाने ऐसी कौन सी चीज है जो हमें गुड्डू जी के करीब जाने से रोकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मिट्ठू मामी की बात हमारे दिमाग में बैठ गई है, हमें उन पे पूरा भरोसा करना चाहिए, फिर भी जाने क्यों मन डरा डरा सा रहता है, हम गुड्डू जी को वो अपनापन क्यों नहीं दे पा रहे जिसपे उनका हक है, अपनी दुविधा के चलते गुड्डू जी को चोट पहुंचा रहे हैं, हम जानते हैं कि ये दुविधा हमारे रिश्ते की डोर को कमजोर कर रही है। रुंझुन अरे तैयार हो गए हैं, फट से निकलना है। अच्छा हम आपके लिए नाश्ता बनाते हैं। कल की बात को लेकर हम पहले से बहुत शर्मिंदा हैं।
हमें और शर्मिंदा मत कीजिए। आप हमारे पति हैं, हम पर हक है आपका। गलती आपसे नहीं हुई है, गलती हमसे हुई है। तो माफ कर देना तुमने हमको। हाँ गुकन बोल। हाँ हाँ मीटिंग है, ज्यादा टेंशन ले रहा। हाँ हाँ फाइनल देख लेंगे, टेंशन मत लो। हाँ फटाफट निकल रहे हैं बस, चल रखते हैं भैया। अरे रुंजन। हाँ। अरे वो देखना यार, वो नीलवेली फाइल का रखी जरा। अरे यहीं पर है ये। अरे सारे कागज वागज इसी के अंदर है। हम नाश्ता बनाते। अरे रुको रुको रुको, एक मिनट, एक कागज वागज चेक कर ले। हाँ सब सही है, इधर आओ जरा। अरे इधर आओ ना। हाँ जरा एक काम करो यार, दो तीन जगह दस्तखत करना। अरे यार गुड्डू, लालच और अपनी तरक्की की वजह से तुमको यहाँ से ले जाए चाह तो। अरे वो जानते है कि तुम भागो वाली है। दुकान तो आपके और कुकन के नाम पर है ना, तो फिर हम दस्तखत क्या? हम पर भरोसा नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं, है ना भरोसा आप पर? अच्छा हम तुमको बताते हैं, हम तुमने दस्तखत क्यों मांग रहे। क्या ना, हमने सुना है कि हर आदमी की सफलता के पीछे एक औरत का हाथ होता। तुम चाहते हैं कि हमारी सफलता के पीछे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हाथ हो। क्या ना, सब तुमने तो किया है, तुमने हमें बदला, अच्छा इंसान बनाया, तो हम चाहते हैं कि हम इसका श्रेय सिर्फ तुम्हें दें। बस हो गया, चलो फटाफट निकलते हैं। लेट हो रहा है। क्या हो गया? एक मिनट। अरे क्या हुआ? शर्ट कहाँ निकल? ओए साला, शर्ट तो पहनना ही भूल गए हम। एक कुकन का फोन आ जाता ना तो दिमाग खराब कर देता है फटाफट। अरे तो हम लगा लेते हैं फटाफट। हाँ कुछ अजीब सा लग रहा है, कहीं गुड्डू जी ने इसलिए तो साइन नहीं करवाया कि हम भागो वाली। बिल्कुल ऐसे ही किसी जरूरी कागज पर मामा मम्मी हमसे साइन करवाया करते थे, इसलिए कि हमारा भाग उन्हें लग जाए। नहीं गुड्डू जी ऐसे नहीं है, लेकिन जो हो रहा है उसे हम क्या सोचें? मैडम कुकन, आज है तुम्हारा इंटरव्यू, पहला साक्षात्कार। अब पहन ओढ़ के निकलोगे तभी तो अच्छा होगा, चमक के चलोगे एकदम निखार के साथ वापस आओगे। चलो अभी टाई को जो है बांध लो, करो कॉलर को पर, और इसको जो है ऐसे बांधते तो है यार अब कैसे मार। अपनी आवाज बहुत ही प्यारी लगती, इसलिए अकेले अकेले चिल्लाता रहता है, और जब गले में टाई बांधी हो तो आवाज सुरीली आएगी, है ना? बेवकूफ कौवा। आप बहुत लकी हैं मिस्टर गुड्डू, हमारी कंपनी ने आपको दो मोबाइल सेंटर के साथ में पूरे कन्नौज का डिस्ट्रीब्यूशन शिप भी दे दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी।
अरे आप घबराइए नहीं, हम बहुत मेहनत करेंगे। ओके देन, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय। चलो भाई, लॉटरी लग गई है। भैया भैया चमत्कार हो गया भैया। आप माने चाहे ना माने, लेकिन ये सब जो कुछ भी हो रहा है ना भैया, वो सब भाभी के पुण्य और प्रताप से हो रहा है भैया। ये हम लोग कैसे रहते थे, दर बदर भटकते थे, दुनिया के ऐसी की तैसी कर रहे होते अब तक। भैया भाभी ने हमें नरक के रास्ते से निकाल के सही रास्ते पर ला दिया, जीना सिखा दिया भैया। भैया आज इतने खुशी का दिन है, हम कह रहे हैं भैया भाभी के लिए एक अच्छा सा तोहफा खरीद लीजिए। बड़ा बात तो बहुत सही है, और तोहफा बनता भी अभी तो, तोहफा ले तो लेंगे, लेकिन हमें लग रहा है पता नहीं उसको अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। अब हो गया ना भैया, यही मार खा गए आप। हर लड़की चाहती है कि पति उसकी पत्नी को अच्छे अच्छे तोहफे लेके आए। हाँ एक बार मना जरूर करेगी, कहेगी इसकी क्या जरूरत थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा होता है भैया, हम जानते हैं। चलो फिर तोहफा दे देते हैं, क्या दिक्कत वाली बात है उसमें। चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी, चूड़ी ले लो चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ी ले लो। चूड़ी ले रहे हैं, चूड़ी हमें लगता है अच्छी लगेगी उस पर। चलो फिर, हाँ चले रहते हैं फटाफट। तो बनता, अरे सुनो चूड़ी वाली, एक काम करो, अच्छे से चूड़ियां बांध दो जरा। अरे साहब ये हरी चूड़ियां लीजिए, सावन के महीने में बहुत खूब लगती हैं। हरी ले क्या, हरी पीली क्या, हमको हरा कलर पसंद है। लाल ले ले, हाँ एक काम करो, हाँ ये लाल बांध दो जरा। ये बहुत सुंदर है साहब, अभी हम इसे बांधते। कुकन, हाँ भैया। अब एक काम करो ना, माधवी के लिए ले लो तुम, क्या संबंध बढ़ाने से बढ़ता है, तो किसी ना किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना, हमें लगता है तुमको शुरुआत करनी चाहिए। अरे हम कह रहे ना, हमारी बात मानो, खरीद लो, बताओ कौन से पसंद है। आप जो बोले भैया। अच्छा काम करो, सुनो जो तुमको पसंद है बांध दो जरा एक और। हाँ सब ये बहुत अच्छी है, हम इसे अभी बांधते हैं। हाँ चलो इसको बांध दो। और पैसे वैसे ठीक लगाना। हर हर महादेव। भैया। हाँ क्या हुआ भैया, वो जो साधु देख रहे हैं अभी जो घंटी बजाया, भैया यही वो साधु है जो उस दिन दुकान पे आया था, और यही वो साधु है जो उस दिन रुंझुन भाभी का रास्ता रोका था। भैया यही है वो साधु, पक्का है? हाँ पक्का विश्वास है भैया, हमने देखा था, इसी को देखा था। तो पकड़ो जरा, हमने मिल लेते हैं इससे। अबे वो जटाधारे, क्या नौटंकी है, कहाँ है मेरी धर्मपत्नी का पीछा करो बे। अबे घूंगे हो क्या, पूछ रहे तुमसे कायम रे धर्म पत्नी के पीछे पड़े। गुड्डू शुक्ला, तुम्हारी पत्नी रुंझुन शुक्ला भागो वाली, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हमें कुछ काम करना है, हम तुम्हारी पत्नी को सचेत कर रहे हैं, कर्म सिद्धि पूरी करनी है। दुर्भाग्य से तुम्हारी पत्नी भागो वाली है, माया के वश में। अबे सारा कुंडली तो हम खुद पानी में विसर्जित कर दिए थे, तो फिर ये बात इसको कैसे बताऊं? रुंझुन के भागों वाले होने की बात या तो हमको मालूम है, या अम्मा को मालूम है, और या फिर मामा मामियों को। कहीं चला मामा मामियों की चाल तो नहीं है, अगर उनकी चाल हुई तो इस बार जानम की सैर करवाएंगे त्रिमूर्ति मामा मामियों को, और वो भी मुफ्त में।